अस्सलामुअलैकुम। आज है 25 अगस्त 2024 और हम मौजूद हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। एक बार फिर दिन है संडे का, तो आज हमारा जो ट्रैवल है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि अटक सफारी पे हम ट्रैवल करने लगे। टूरिस्ट ट्रेन जो कि अंडर एस जमीन कंपनी चलाई गई है, हर इतवार के इतवार जो है ये ट्रेन चलती है टूरिस्ट वगैरह को लेकर, जो लोग शौकीन होते हैं ट्रेन के, रेलवे म्यूज़ियम्स के। तो देख, आज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा रहता है। ट्रेन डिपार्ट करेगी 8:30 पे और अभी टाइम हुआ है 7:25 का, तो काफ़ी टाइम है अभी। देखते हैं क्या तैयारियाँ हैं सफारी ट्रेन को लेकर पाकिस्तान रेलवेज़ और एस जमीलन कंपनी। फर्स्ट डिपार्चर विसल हो चुका है, सेकंड डिपार्चर विसल के बाद ट्रेन मूव करने लगेगी। धूप बहुत तेज़ है, छाँव के अंदर जो है खड़े होके मैं वीडियो बना रही हूँ और आज सफारी पे भी जाना है और कड़कती हुई धूप निकली हुई है। एसी स्लीपर भी लगा हुआ है इसमें। अटक सवारी जाने में कोई 10-12 मिनट का टाइम है, अगर एक्सपेक्टेड अराइव जो इसका शेड्यूल डिपार्चर है उससे अगर अंदाज़ा लगाएं तो 8:25 हो गए हैं। और यहाँ अटक सवारी की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है हर संडे बैंड बाजे की, वो स्टार्ट हो चुकी है। Thank you.
रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बज के 40 मिनट हो रहे हैं और ट्रेन डिपार्ट कर रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। तो ट्रेन मूव करने लगी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से और पहला स्टेशन अब इसका होगा रावलपिंडी के बाद गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन। और आपको थोड़ी देर में इस कोच का इंटीरियर भी दिखाएंगे। मैजिशियन मैजिक दिखाते हुए
साहब ही चले गए। म्यूजिकल शो शुरू हो चुका है अटक सफारी में। मेरा नाम है मैजिक प्रोफेसर अली मुर्तजा। आपके सफर को अच्छा बनाने के लिए पाकिस्तान रेलवे और एस जमील कंपनी ने मुझे हायर किया है कि आपके सफर को अच्छा बनाया जाए मैजिक ट्रिक्स दिखा के। कोई भी आइटम, कोई भी गेम हमारी अच्छी लगे तो एंजॉय करने के साथ साथ आप लोगों ने क्लैप भी करनी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले एज अ मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मुसलमान हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से ही करेंगे। अब ये देखें, ये मेरे हाथ में ब्लैक कलर का कपड़ा देख रहे हैं आप लोग, इधर से भी और इधर से भी। ये है एक फ्रेम, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। इधर ये ब्लैक कलर का कपड़ा इसमें डाल देंगे, सब मिलकर जरा पढ़ेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थी हमारे प्रोग्राम की पहली आइटम, पहला खेल। इस खेल से हमें क्या लर्सन मिलता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़नी चाहिए। एक तो काम में बरकत हो जाती है, दूसरा ये कहता हूँ हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हम सबको चाहिए कि ऐसा ही करें।
इधर आए जरा मेरे पास। अजय नाम क्या आपका? मिर्जा के लिए क्लैप करेंगे जी। मिर्जा इसको धूप मारे, ग्लो करे, धूप मारे। गुड, अब इन्हें मेरे भाई ने धूप मार दिया जी। अब हमें थोड़ा सा करना है मैजिक वन टू थ्री को। Thank you.
पा रहे हैं? तो बाल कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4 कहाँ पे? ये 100 रुपीज़ का नोट लिया जी इनसे और इनको बनाएंगे रोल। 1, 2, 3, 4 सब लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ मैं लेफ्ट हैंड में रखता हूँ वो गायब हो जाती है। आपके नोट को भी यहाँ पे छोटा कस्बा करके रखूँ, गायब हो गया तो वापस नहीं आएगा। मैं कहते थे इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आप ये ना लगे कि भाई 100 रुपीज़ दे दें, ये बड़ी मुश्किल है। 1, 2, 3, 4 एंटरटेनमेंट के लिए जो है और भी कुछ बहुत सामान यहाँ पर मौजूद है। तो अरसलान खालिद जो कि ट्रेन मैनेजर हैं वो सारी टाइमिंग बता रहे थे, सारा शेड्यूल बता रहे थे कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप गोलरा शरीफ के बाद हसन अब्दाल होगा। गोलरा शरीफ पर हम 1 घंटा जो है वहाँ स्टेशन रहेगी ट्रेन, 1 घंटे का टाइम होगा उसे एक्सप्लोर करने का। हसन अब्दाल पे 30 मिनट का जो है स्टॉप होगा और जिसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट स्टॉप होगा वो अटक खुर्द पर होगा और अटक खुर्द पे हॉर्स राइडिंग कैमल राइडिंग कर सकते हैं और 1:10 पे वहाँ से दोबारा निकलेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लेते हैं ये जर्नी। तो ट्रेन हमारी पहुँच रही है गोलरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर 1 घंटे का स्टॉप होगा जहाँ पर हम रेलवे म्यूज़ियम और यहाँ के रेलवे हेरिटेज को एक्सप्लोर करेंगे।
हम पहुंच चुके हैं गोलड़ा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और अब हम यहाँ की गैलरी का विज़िट करेंगे और रेलवे हेरिटेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो ना जो पहली गैलरी है वो ओपन हो चुकी है। रेलवे हेरिटेज का वो सामान जो के पुराने वक्तों में ब्रिटिश एरा के अंदर यूज़ हुआ करता था तकसीम पाको हिंद से पहले, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ये लैंप होते होंगे सिग्नल के लिए, केरोसिन लाइट यूज्ड इन रेलवे ऑपरेशंस, ये ख़ास किस्म के बेल्स होती थी जो स्टाफ को ऑफिस में बुलाने के लिए यूज़ हुआ करती थी, और ये स्टेशन मास्टर हैट हैं जो कि यूज़ हुआ करते थे पुराने वक्तों में। ये भी आगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रेलवे के अंदर यूज़ होते होंगे। अच्छा जी, तो ये सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि मैं जो कि डॉक्टर हूँ तो रिलीफ ट्रेन के अंदर रिलीफ बोगी में जो इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे सर्जिकल, ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हादसाती तौर पे जब रिलीफ ट्रेन को भेजा जाता था उसमें ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हुआ करते थे। बाबे खैबर का एक मुजस्मा बना के यहाँ रखा गया है, यूनिक टाइम वॉच। लो वाट आवर मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर्स, और बहुत ही ज़बरदस्त RGE-20 जो कि कोयटा सेक्शन के चीता हैं उनका लोकोमोटिव का जो है मॉडल रखा हुआ है यहाँ पे। ये कुछ लिखा हुआ है खेम खरन गोइंग टू घड़ियाला, ट्रेन कमिंग फ्रॉम, ये ऑटो ब्लॉक सिस्टम होता होगा पुराने ज़माने का, घंटियाँ जो पुराने दौर में इस्तेमाल हुआ करती थी। कंट्रोल रूम में इस्तेमाल होने वाला, और ये वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते होंगे पाकिस्तान रेलवेज में ट्रैक के ऊपर। टैक्सला हरिपुर हवेलियाँ अटक नौशेरा पिशावर के लिए ट्रेन ली जा सकती है, तो इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है गोलड़ा को, गोलड़ा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत GMU-30 का 4734 का यहाँ मॉडल खड़ा किया हुआ है। स्टीम लोकोमोटिव NWR, इंस्पेक्शन कार, ये रेलवे के अवाइल के ज़माने की कोचेज़ हैं
जो कि हेरिटेज के तौर पे अब रखे गए हैं। थल और कोहाट की फर्स्ट क्लास कोच, ये थल और कोहाट के दरमियान चलने वाली कोचेस थी जिनमें पैसेंजर ट्रैवल किया करते थे। पोस्टल वैन जो मशहूर ज़माना खैबर मेल में लगती है और पुराने ज़माने में वो ऐसी हुआ करती थी। और ये NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवेज का लोगो, इंस्पेक्शन कार, और ये स्लीपर जो कि आजकल हम जिसे एसी स्लीपर बोलते हैं, पुराने ज़माने की स्लीपर। ये सैलून रियासत जोधपुर इंडिया के महाराजा जसवंत सानी ने अपनी बेटी को जहेज में बतौर तोहफा दिया था। तो ये वाला कोच है। ओपन करें ना। ये फिर क्या महाराजे का नाम था इसका? जोधपुर के नाम से है। तो ये वो सैलून कार है जो जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सानी ने अपनी बेटी को तोहफे में दी थी, जहेज के तोहफे के तौर पे। तो ये वो कोच है। लाइटिंग यहाँ नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है पावर सप्लाई नहीं है, हेरिटेज के तौर पे रखा गया है। तो फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये यहाँ एक बेड लगाया हुआ है और चेयर है, कबर्ड बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि उस टाइम के दौर में भी किस तरह के जदीद कोचेस बना लिया करते थे। यहाँ गार्ड के लिए होती होगी जगह, गार्ड के आराम के लिए। और ये गार्ड रूम जहाँ सामान वगैरह रखा जाता होगा। रेलवे की एक और कोच, इन्फॉर्मेशन गलत भी दूं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूं और आप यकीन नहीं कर सकते, मेरी खुशी का कोई आलम नहीं है कि मैं कितना खुश हूं इस विजिट को करते हुए। नॉर्थ वेस्ट रेलवेज ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल शाही सैलून जो कि 1914 में तैयार की गई थी। तो सागवान की लकड़ी से इसको इस्तेमाल किया, लकड़ी को इस्तेमाल करके इस कोच को बनाया गया था, इस कोच के इंटीरियर को बनाया गया था। तो चले देखते हैं
इस कोच का इंटीरियर। हाँ जी, तो ये आ गए हम सैलोन कोच में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ज़ेर इस्तेमाल रही है। और इंटीरियर देखें आपके किस किस्म का है, उस ज़माने का विंटेज। और ये बहुत ज़बरदस्त, ये वॉशरूम्स हैं, बाथटब, वॉश बेसन, कॉमोड और एक कबर्ड। ये भी कॉमन वॉशरूम है। अब हम जा रहे हैं गैलरी 2 नंबर गैलरी की तरफ। गैलरी 1 हम देख चुके हैं, अब गैलरी 2 का विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से पाकिस्तान रेलवे के ब्रिटिश एरिया के नवादिरात मौजूद हैं। और अरसान खालिद साहब टूरिस्ट को आगाह करते हुए CWD 5734 का स्टीम लोकोमोटिव और ये हर जगह हमारे इस्तकबाल के लिए। रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा में तैयार किए जाने वाले बर्तन आदमी फौज के लिए मार्टर गोले। और ये यहाँ यहाँ हिस्ट्री भी लिखी गई है ताकि लोग इसे पढ़ के पढ़ सकें। और ये कुछ क्रॉकरी है जो कि यूज़ होती होगी पाकिस्तान रेलवेज के हेरिटेज में पुराने वक्तों में। बर्ड रेलवे इंस्टीट्यूट लाहौर और ये रेलवे इंस्टीट्यूट कोटा रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन 1895 में। क़याम में पाकिस्तान से पहले रावलपिंडी का स्टेशन ऐसे हुआ करता था। कंट्री रिवर पुल से कबल दरिया सिंध का मंजर। लाहौर रेलवे स्टेशन 1886 में। तांबे का देखचा जो कि बड़ा यूनिक है, अब तो घरों में नजर भी नहीं आता। और ये विंटेज फर्नीचर जो कि यूज होता होगा पाकिस्तान रेलवेज में। और कुछ अलग अलग तरह की घड़ियाँ। CEO, जनरल मैनेजर, सीनियर्स। और पाकिस्तान भोजक टनल, शीलाबाग टनल बलूचिस्तान में वाकई है। गैंग मैन जो आलात यूज़ करते हैं उसके सारे औजार। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे गैजेट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजात और कुछ बुक्स। बैजेस जो कि रेलवे मुलाजमीन यूज़ करते हैं।
चीफ गुड्स क्लर्क, चीफ गुड्स क्लर्क जमीरपुर खास, लाइसेंस बैरियर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, पोस्टल वैन में जो बैग यूज़ होता था ये वो है जो कि लेदर का है। लेटर कवर जो कि अहम पैगाम के लिए तरसील किया जाता था, स्याही और मोहरें, डाक मोहरें और कूली हैं जो कि रेलवे मुलाजमीन होते हैं और इनका अहम किरदार है पाकिस्तान रेलवे को चलाने में। मिट्टी के तेल से चलने वाला रेलवे फाटक पर इस्तेमाल होता था ये लैम्प। पीतल के लैम्प मौजूद हैं। और ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में दिल्ली ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली लालटेन। और ये गेट डैम रेलवे पटरी पर फाटक वाली गेट पर लगे होते थे और अब ये ऑटो ब्लॉक सिग्नल में कन्वर्ट हो गए। जी वही ले रहे हैं जी, यहाँ सेंटर में या ऊपर चढ़ के यहाँ गोलरा शरीफ रेलवे जंक्शन पर मौजूद एक क्रेन जिसका नंबर 6 है और ये भी स्टेशनड है जो कि टैक ट्रैक के काम में पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती होगी। एक डिटेल कवरेज के बाद अब हम दोबारा जा रहे हैं अपनी सफारी ट्रेन में अपनी कोच में और टाइम यहाँ के विज़िट का मुकम्मल हो चुका है और अब हमारी ट्रेन जब चलेगी तो नेक्स्ट स्टॉप करेगी हसन अब्दाल पर जहाँ पे 30 मिनट का स्टॉप होगा, उसको 30 मिनट में एक्सप्लोर करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और बहुत ज़बरदस्त विज़िट रहा गोलड़ा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन का। गोलड़ा शरीफ जंक्शन की खूबसूरत सी बिल्डिंग डाउन जाफर एक्सप्रेस के क्रॉस के बाद अब हमारी सफारी ट्रेन चल रही है। नेक्स्ट स्टेशन होगा हसन अब्दाल जो कि 30 मिनट का स्टे है वहाँ पे। दो ब्रेड के स्लाइसेस हैं साथ में ऑमलेट है और एक इसमें जैम है एप्पल जैम
टिश्यू पेपर है, तो टेस्ट करके देखेंगे, बताएंगे आपको। एस जमील एंड कंपनी, गुड इनिशिएटिव कि आप प्रॉपर तरीके से रेलवे को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी टेस्ट करके बताएंगे कि किस तरीके की है। और ये जी गरम गरम चाय भी हाजिर हो गई है, तो ये पूरा पैकेज है जो कि अटक सफारी में कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे दिया जाता है। 1500 रुपये फूड के शामिल होते हैं और 2000 रुपीज़ जो है वो टिकट होता है एस जमील एंड कंपनी की अटक सफारी के अंदर। तो ये चाय है, दो ब्रेड के स्लाइसेस हैं और ब्रेड के स्लाइसेस के बाद ये ब्लू ब्रांड का मार्जरीन और एग। तो इसको एंजॉय करते हैं, नाश्ता करते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल आए थे तो अब इसको हम खाएंगे। हम नाश्ता करने ही लगे थे कि टैक्सला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन आ गया है। तो टैक्सला कैंट ML1 पे वाक़ है और यहाँ से एक लाइन डाइवर्ट होती है जो कि हवेलियाँ हरिपुर हज़ारा की साइड जाती है। हवेलियाँ जो कि आखिरी रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का। और दूसरा ये कि एक लाइन ML1 होती है, मेन लाइन 1 पर की तरफ जाती है जो कि पिशावर तक है। तो अभी हम मेन लाइन 1 पर ही सफ़र करेंगे क्योंकि हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो अटक खुर्द है। तो अब अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं। तो वाक एंड से निकलने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं बताती चलूँ कि नाश्ते के बारे में रिव्यू करती चलूँ कि दो ब्रेड के स्लाइसेस थे जो कि अच्छे बड़े थे और ऑमलेट था, मार्जरीन था, एक कप चाय थी बहुत मज़े की थी। और इसके अलावा ये एक एप्पल जैम मौजूद था। तो एक बंदे के लिए इनफ है ये नाश्ता क्योंकि ब्रेड के जो स्लाइसेस थे वो अच्छे बड़े थे और मार्जरीन और जैम भी इनफ था। और ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है एस जमील एंड कंपनी की तरफ से, पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से ये जो मील ऐड की गई है। लंच का तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि लंच अब जब हम करेंगे तब मैं उसका रिव्यू करूँगी, लेकिन नाश्ता ज़बरदस्त था। इतना था कि नाश्ते की जो क्वांटिटी होती है वो अच्छे से पूरी हुई। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा लंच का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अटक सफारी में इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बस कुछ मौसम थोड़ा सा गर्म है और बादल होते या हल्की बारिश के साथ ये सफ़र होता तो कुछ और ही बात होनी थी आज के सफ़र की, मगर बहरहाल कोई बात नहीं, कुदरत के नज़ारे और धूप के साथ ही देखते हुए एंजॉय करेंगे। और अब हम पहुंच रहे हैं हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर। सामने ईस्ट कैबिन है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का और हसन अब्दाल पर 30 मिनट का स्टॉप होगा सफारी ट्रेन का। तो बिल्डिंग दूसरी तरफ है तो बिल्डिंग को देखते हैं। टिकट ऑफिस, रिजर्वेशन ऑफिस और इंफॉर्मेशन डेस्क, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की। और हसन अब्दाल पाकिस्तान रेलवे का इंतहाई रेलवेज़ का इंतहाई अहमियत के हामिल है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन।
ये तारीखी रेलवे स्टेशन है जो इस्लामाबाद के शिमाल मगरब में तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाकई है। इस स्टेशन की तामीर 1893 में हुई। हसन अब्दाल मुगल दौर हुकूमत में अफगानी इलाकों के साथ जंगी मार्कों का मरकज़ रहा और जिसका तस्करा मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने अपनी किताब तज़के जहांगीरी में किया। मस्कूरा किताब में हसन अब्दाल जो कि एक बुज़ुर्ग बाबा हसन अब्दाल के नाम से मौसूम है की खूबसूरती और जमालियाती हुसन और शफाफ शफाफ बहती चश्मों का अहाता किया है। तो हसन अब्दाल में बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि क्या है, तो गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में मौजूद है जिसकी वजह से ये रेलवे स्टेशन अपग्रेड किया गया। यहाँ पे सिख यात्री आते हैं अपने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए। तो हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अहमियत इसी वजह से है कि वहाँ यहाँ गुरुद्वारा पंजा साहब और जो हिस्ट्री के मुग़ल शहनशाह दौर के अंदर यहाँ जंगें वगैरह हुई हैं उसमें ये बहुत शहर ने अपना अहम किरदार अदा किया है। पहाड़ों के अकब में मौजूद हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन, और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन के बाहर जब मैं आई हूँ तो मैंने यहाँ का एक और पाकिस्तान रेलवे का स्टीम लोकोमोटिव देखा है। स्टीम इंजन नंबर GS62 नैरो गेज का ये स्टीम लोकोमोटिव है। तो आप देख सकते हैं ये हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का व्यू है। ये मेन एंट्रेंस है और ये है मेन हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग का ओवरव्यू। HPU 28054 लीड कर रहा है आज अटक सफारी ट्रेन को, और यही लोकोमोटिव जो है रिटर्न में भी अटक सफारी को लेकर आएगा। और HPU हिटैची बम्बार्डियर यूनिवर्सल, ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है इसकी और काफ़ी ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है इससे। जी ठीक है, ये लोकोमोटिव है, ये इसके अंदर कोई स्टेयरिंग नहीं होता और ये हमारा एक्सीलेटर है। ठीक है, इसकी पोजीशन होती है जिस तरह ये इसको लाचा करेंगे ना इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। उसके बाद रोकना हो तो ये ब्रेक है, ये इंजन की ब्रेक है, ये पूरी ट्रेन की ब्रेक है, इसके साथ पूरी ट्रेन को ब्रेक लग जाती है। ये ट्रेन ने आगे जाना हो तो आगे की तरफ कर देते, पीछे जाना हो तो पीछे की तरफ। ये बाकी जैसे स्पीडोमीटर नजर आती है, वायरलेस सिस्टम है। ठीक है, हेलो हेलो कर तो ये वायरलेस सिस्टम है ड्राइवर के साथ, बाकी सिस्टम में काम कर सकती है। बाकी प्रेशर वगैरह होते हैं, दो बंदे होते हैं इधर देख रहे और एक सेशन वो भी नीचे खड़े हुए, बाकी ये दो बंदे चलाते हैं गाड़ी। फोन पर आपका प्रेशर है तो 30 मिनट के स्टॉप के बाद हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं और अब नेक्स्ट स्टॉप अटक खुर्द रेलवे स्टेशन पर होगा और वहाँ हमारा जो है 2 घंटे का स्टे है। तो देखते हैं, गर्मी काफ़ी हो गई है और धूप भी बहुत तेज़ है। अल्लाह करे कि मौसम थोड़ा बदल जाए और बादल हो जाएं ताकि उस ट्रैवल को हम इंजॉय कर सकें, उस जर्नी को इंजॉय कर सकें।
कैमरा ऑन करते करते 14 डाउन हवा में एक्सप्रेस आ गई। चलें क्रॉस करके चली गई है हमें, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अटक सिटी स्टेशन पहुंच गए हैं हम, नेक्स्ट स्टॉप अटक खुर्द होगा। और मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, धूप जा चुकी है, अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे बादलों वाला मौसम, और हम फ्रेश होकर फिर अटक खुर्द की कवरेज करेंगे। और रोमिया स्टेशन की बिल्डिंग भी है, तेरह मई 1861 सुबह, बोगियों 5 बोगियों और 200 मुसाफिरों को लेकर कैंट स्टेशन से चली कराची से कोटली तक चलने वाली इस ट्रेन का किराया 2 आने था। ये एक हिस्ट्री लगाई गई है यहाँ, और अटक खुर्द की बिल्डिंग और इसका इंटीरियर, और ये रेलवे गैलरी है। जब हम आए थे अटक सफारी में तो ये खुली हुई थी और अब बंद कर दी गई है, तो थोड़े ही टाइम के लिए खुली थी है। इसका विज़िट मैं शायद आपको नहीं करवा सकूं, अब पूछते हैं स्टेशन मास्टर साहब से, अगर तो खुली गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी किसी यूट्यूबर के व्लॉग में आप चेक कर लीजिएगा।
बहुत ज़बरदस्त एंट्रेंस है इस स्टेशन की। ये पौधे उन्होंने लगाए जिनका नाम मेंशन है, और अब हम चलने लगे अटक ब्रिज की तरफ जो कि दरियाए सिंध पर बना हुआ है। और इस ब्रिज की ख़ास बात ये है कि अप साइड की तरफ से डाउन साइड की तरफ जाने के लिए हम ऊपर से ही जाएंगे। एक नीचे रोड बना हुआ है और एक ऊपर रेलवे ट्रैक है। और दूसरी चीज़ ये कि इस गेट से उस गेट तक पंजाब है, और जैसे ही ब्रिज ख़त्म होता है तो हम पंजाब की सरहद पे ख़त्म हो जाता है, पंजाब की सरहद ख़त्म हो जाती है और खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है। तो चलते हैं अटक ब्रिज पर। ये सारा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है वो अटक खुर्द रेलवे स्टेशन, और उसके बैक की तरफ ये सारा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, बूफे सेट किया हुआ है खाने के लिए। और अभी खाने का टाइम होगा, फिर हम अटक ब्रिज की तरफ जाएंगे। और दरिया के किनारे पर तो जाने से मना किया गया है क्योंकि सैलाबी रेला गुजर रहा है, तो वहाँ तो जाना शायद मुश्किल हो, लेकिन व्यू कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये खाना है जो कि बूफे के ज़रिए मिल रहा है, और हमने अपने लिए चिकन का सालन लिया है, पुलाव लिया है और सैलेड लिया है। तो टेस्ट इंजॉय टेस्ट खाकर आपको बताते हैं कैसा है। तो अभी हम ट्रैक की तरफ से चलकर जा रहे हैं अटक खुर्द के ब्रिज तक। ईस्ट एंड पंजाब के अंदर है जबकि वेस्ट एंड के बाद खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट हो जाता है। अगर आज बादल होते तो गर्मी की शिद्दत ज़रा कम हो जाती, लेकिन धूप निकली हुई है और हमें टाइम इस टाइम का वक्त ही अब मिला है कि हम यहाँ आएं और इसे देखें, क्योंकि तो ये हम मौजूद हैं अटक ब्रिज पर। और ये दरियाए सिंध बहुत खूबसूरत मंज़र, अगर हल्की बारिश या छाँव होती तो शायद इस मंज़र को चार चांद लग जाते, मगर खैर कोई बात नहीं, हम जिस काम के लिए आए वो काम ज़रूर करेंगे। तो टाइम हो रहा है 2:45 और 3 तक हमारी अटक सफारी ट्रेन रिटर्न अटक सिटी से वापस आ जाएगी, तो फिर हम अपना दोबारा आगाज़ करेंगे पिंडी की तरफ। तो अब हमारे जाने का वक्त हो जाएगा, तो मैं भी अब यहाँ से अटक ब्रिज से जाने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त रहा ये पूरा ट्रिप, मौसम गर्मी का है तो गर्मी के मौसम में रेल फैन हो तो गर्मी क्या सर्दी, और मुझे मौका मिला अभी आने का तो मैं भी आई, नहीं तो मैं मौसम का इंतज़ार करती तो शायद बाद में मुझे मौका ना मिल पाता। तो मेरे लिए ये सफ़र बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी यहाँ आने की, मैं
व्लॉग्स में देखकर बड़ा महसूस होती थी कि काश के मैं यहाँ जाऊँ। और आज मैं जब यहाँ हूँ तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं यहाँ हूँ और उसने मुझे ये तो इस अपॉर्चुनिटी अवेल करने का मौका दिया। ऐसे असबाब बन गए कि मैं यहाँ आ गई और अब मैं वापस जाऊंगी। कल 30-40 डाउन से मेरा पिंडी से लाहौर तक का सफ़र है, तो इंशाल्लाह आज पिंडी डिवीज़न के जो ट्रिप थे वो ख़त्म हुए और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप करेंगे हम। तो मेरे एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं आपको मज़ीद रावलपिंडी स्टेशन पहुंच के बताऊंगी कि एस जमीनन कंपनी को और क्या अच्छा इनिशिएट करना चाहिए इसमें, कुछ चेंजेस और क्या मेरी तासुरात हैं अटक सफारी को लेकर। तो अब यहाँ से चलते हैं और 8054 HVUB आ चुका है, तो अब हम तैयारी करेंगे वापस जाने की। तो मिलते हैं वापसी के सफ़र पे। HVU 20 अपना रुख तब्दील करते हुए इसके बाद अब दोबारा शंट होने के लिए जा रहा है अटक सफारी पर। अटक सफारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है अटकपुर रेलवे स्टेशन से और अब हम इंशाल्लाह आप पिंडी में मिलेंगे। इससे पहले कि धूप बहुत ज़्यादा और रंग ख़राब कर दे, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है बाहर और कवरेज कर करके जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब हम जो है रावलपिंडी पे ही अपना रिव्यू कर देंगे कि हमें कैसा लगा सफारी पे ट्रैवल करके। GU20 के साथ 13 अवाम एक्सप्रेस टोकन बॉल कलेक्ट करती हुई जाएगी। बुरहान रेलवे स्टेशन से Thank you.
क्रॉसिंग लाइन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की और हम पहुँच गए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। तो अब क्योंकि रिव्यू करने का टाइम है तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, लंच ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था तो, और जो लंच था वो भी बहुत बेहतर था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि लंच के लिए काइंडली इतने अच्छे मतलब मियार के हिसाब से जब आप सफारी ट्रेन को चला रहे हैं तो कोई रीज़नेबल सी क्रॉकरी यूज़ की जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक मतलब उस डिस्पोजेबल प्लेट के अंदर खाना रखना और उसे फिर लेकर आना, वो गर्म इतना लग रहा होता है, अक्सर लोगों से गिर भी जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो आज तो खैर गर्मी थी तो गर्मी की वजह से जो है हम ये नहीं कह सकते सफ़र ख़राब रहा है, सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त था। और एस जमीन एंड कंपनी की तरफ से जो इनिशिएट है ये सफारी ट्रेन का, ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए। और लोग सफ़र करते हैं, आज रश कुछ कम था लेकिन बहुत ये था कह सकते हैं कि फिर भी था, आवाम थी, पैसेंजर्स थे, सफ़र कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि अटक पहुँच कर जो वो लंच का जो भी तरीका कार है उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। आपको पता है पाकिस्तानी आवाम वैसी बेसब्री है, खाने के चक्कर के अंदर जो है ना झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो जो बूफे की रिफिलिंग थी वो थोड़ी स्लो थी, लेकिन फिर भी जो मैनेजर थे उन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करा है और जो है ना बहुत ईजीली सबको संभालने की कोशिश करी, रिफिलिंग का ख्याल रखा। और दूसरी बात ये कि बस वो प्लेट्स मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं अपना रिव्यू ये दूँगी कि कुछ कोई जब कैटरिंग का इंतज़ाम प्रॉपर हो रहा है और डाइनिंग के लिए बैठने के लिए चेयर्स का इंतज़ाम हो रहा है तो यकीनन टेबल्स भी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वही चीज़ ये कि खाना रख कर खाने में ईजीली हो जाए। दूसरा ये कि क्रॉकरी का थोड़ा सा ख्याल रख लिया जाए कि क्रॉकरी थोड़ी प्रॉपर हो तो शायद ये कि बेहतर तरीके से खाया जा सके। बाकी तो सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, गोलरा शरीफ का विज़िट बहुत ज़बरदस्त रहा, हसन अब्दाल का विज़िट बहुत ज़बरदस्त रहा, इसके अलावा ये कि ट्रेन क्रॉसेस भी मिले तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएट है पाकिस्तान रेलवेज़ में। और एस जमीन कंपनी का एक अच्छा स्टेप है कि वो अटक सफारी को रन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग में। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।